हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी बहुत कॉमन नेम है, आप बहुत फैमिलियर होंगे कि अगर आप किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करते हैं और वहां पर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि लगातार आप छींकते जा रहे हो, आपके नोज में से, आईज में से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई एलर्जन प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट में एलर्जिक रिएक्शन शो कर रही है। सो व्हाट इज एलर्जी? सो एलर्जी इज एग्जग्रेटेड, एकदम से जो आया और बहुत तेजी से, ठीक है ना, स्पीडली अगर कोई आता है रिएक्शन, द एग्जग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट एलर्जन इज कॉल्ड एलर्जी। उसी को आप क्या कहते हो, एलर्जी कहते हो। एकदम से जो रिस्पॉन्स आपका इम्यून सिस्टम शो करता है किसी बाहर वाले सब्सटेंस के अगेंस्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। देखो बेटा, एक होता है सेंसिटिवनेस, एक होती है हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिव सभी हैं, हम सब सेंसिटिव हैं हमारे एनवायरनमेंट से। जो जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेशर बहुत कम है, आपको फीलिंग आएगी, आपको गर्मी और इस तरह से उमस जैसा एहसास होगा, तो हम सब सेंसिटिव हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए, दैट रिएक्शन इज नोन एज द एलर्जिक रिएक्शन। सो इन केस ऑफ एलर्जी, पर्सन इज नॉट सेंसिटिव बट हाइपर सेंसिटिव। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, पर्सन इस केस के अंदर क्या है, हाइपर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है तो आप उसको क्या कहते हैं, एलर्जी। ओके बेटा, यस। सो व्हाट आर द एलर्जेंस विच आर प्रोड्यूस इन द एटमोस्फियर? तो कौन कौन से एलर्जेंस एटमोस्फियर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं? सो एलर्जेंस आर नथिंग बट द एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस। एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एलर्जन। इसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, आपको एलर्जी किससे हो सकती है? आपको एलर्जी हो सकती है पोलन ग्रेन से, आपको एलर्जी हो सकती है डस्ट से, आपको एलर्जी हो सकती है एनिमल डेंडर से। आपने देखा होगा कुछ स्किन के जो उनके ऊपर वाला जो एपिथेलियल टिश्यू जो इस तरह से एनवायरनमेंट में उड़ते रहते हैं, उससे भी हमें एलर्जी हो सकती है। एनिमल डेंडर, यस, इवन सनलाइट, कई लोगों को सनलाइट से एलर्जी है, ठीक है, दैट इज सनलाइट। इसके अलावा किसी को जो है कोल्ड से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को स्मेल से एलर्जी होती है और किसी को ग्रेन से एलर्जी होती है। तो एलर्जी किसी भी बंदे को किसी से भी हो सकती है, किसी को किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी एलर्जी होती है, ठीक है, बट वो एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स शो नहीं करता। ओके बेटा, सो दीज आर सम एलर्जेंस, दे आर सम एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस विच कॉजेस एलर्जी। हाँ जी, तो एलर्जी ये नेचर में कहां से आई, कैसे आई? पहले तो हम ये ज्यादा टर्म यूज नहीं करते थे एलर्जी, लेकिन अब हम इसको सिंपल फॉर्म के अंदर भी यूज करने लगते हैं एलर्जी। अगर आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता और आपके कांटेक्ट में आके बैठता है तो आप कहते हैं मुझे इससे एलर्जी हो रही। नाउ ये टर्म आप देखिए, यहां से होते होते साइंटिफिक टर्म होते होते कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसकी क्या हो गई है, एंट्री हो गई है, ठीक है ना। तो एलर्जी का सबसे जो रीजन जो है इसके पीछे,
क्या रीजन है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आप एनवायरमेंट से क्या हो चुके हो, सेंसिटिव हो चुके हो। यू आर सेंसिटिव विद द एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप एनवायरमेंट से सेंसिटिव हो, आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट दिया जाता है अर्ली स्टेज के अंदर, तो जैसे ही आप जब बाहर अपने आप को जब आप बाहर नॉर्मल एनवायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर लेके आते हैं, तब आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करना शुरू कर देती है। वहां से आपकी बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी। तो रीजन जो है, सबसे पहला रीजन जो है, एक तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम वो क्या है, बहुत ही वीक। तो वीक इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रीजन बिहाइंड द एलर्जी। वीक इम्यून सिस्टम, यस, ये सबसे बड़ा रीजन। अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपको एलर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो एलर्जी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट इन अर्ली लाइफ। अगर आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट के अंदर रखा जाता है, जैसे सपोज करो आजकल हम यूज करते हैं कि बच्चा पैदा होके आया है, आप उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट एसी या इस तरह के एनवायरमेंट के अंदर उसको आप रखते हैं, आप उसको डायरेक्ट नॉर्मल एनवायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर उसको बड़ा नहीं होने देंगे, तो क्या होगा, एक सर्टेन एज के बाद में, 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद में, जैसे ही वो नॉर्मल एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। यस, ये जो रिएक्शन जो होंगी एलर्जिक रिएक्शन, इनके अंदर कौन से सेल्स से, किसके सिक्रीशन से एलर्जिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं? तो सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, तो कौन से सेल्स हैं जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज मास्ट सेल। विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन? दीज आर मास्ट सेल। मास सेल सिक्रीट्स हिस्टामाइन। क्या सिक्रीट करते हैं ये? हिस्टामाइन, विच कॉजेस एलर्जी। इसी की वजह से क्या होती है, एलर्जी। तो मास सेल्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और ये मास सेल कहां से बने हैं? बेसोफिल सेल से। इनका ओरिजिन कहां से हुआ है? बेसोफिल सेल से हुआ है। तो मास सेल जो है आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हिस्टामाइन का प्रोडक्शन करेंगे। जितना ज्यादा हिस्टामाइन का प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगी, शो। यस, द एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन इज IgE। एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, कौन सी एंटीबॉडी है? आपको मालूम है 5 तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और उसमें से जो एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट इज IgE। इम्यूनोग्लोबिन ई जो है, एप्सिलॉन जिसे अपन कहते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है किसके लिए, दैट इज एलर्जिक रिएक्शन। ये जाके अटैच होगी किससे, मास्ट सेल से। तो क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन, उसको अपन लेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे किस तरह से एलर्जन आपकी बॉडी में जाता है और वर्कआउट करता है। तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर सपोज करो यहां पर बॉडी के आसपास जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, और यहां से कोई पर्सन जा रहा है, और वो पर्सन क्या है, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, डस्ट पार्टिकल। अब ये डस्ट पार्टिकल किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये पर्सन है, और ये पर्सन कैसा है, हाइपर सेंसिटिव। प्लीज रिमेंबर, हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिवनेस इज अ गुड फीचर, बट हाइपर सेंसिटिविटी इज नॉट अ गुड फीचर। हाइपर सेंसिटिव, ओके, तो ये पर्सन क्या है, हाइपर सेंसिटिव। अब ये डस्ट पार्टिकल जब इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, ये इसकी बॉडी के अंदर क्या हो गए, चले गए, और कहां आ गए, इसकी बॉडी का सेल, ये इसकी बॉडी का सेल है, ठीक है ना। अब ये एलर्जन यहां से इसकी बॉडी के सेल के अंदर आ गया। जब ये सेल के अंदर आएगा, तो आपको मालूम है
बॉडी की कौन सी इम्यूनिटी वर्क करेगी, दैट इम्यूनिटी इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी वर्क कर रही है आप, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी अब क्या करेगी, वर्कआउट करेगी। तो सी एम आई के पास में जब ये एलर्जन पहुंच गया है, अब जाने के बाद में ये एक्टिवेट करेगा किसको, टी सेल्स को। और टी सेल्स जो सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, कौन से वाले हैं, यू नो बेटर, दैट इज टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल के पास में ये एंटीजन जो गया था सेल के अंदर, उसने एक्टिवेट कर दिया है किसको, टी हेल्पर सेल्स को। एक्टिवेट टी सेल, और कौन से टी सेल को एक्टिवेट करा है, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल ने किसको एक्टिवेट करा, बी लिम्फोसाइट को। एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट, और आपको मालूम है कि बी लिम्फोसाइट किसका प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट ने किसका प्रोडक्शन करा, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बनाई, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है ना, आईजीई एंटीबॉडीज का इन्होंने क्या करा, सिक्रीशन। अब ये जो आईजीई एंटीबॉडी है, ये किसके पास पहुंची, मास्ट सेल के पास। किसके पास आ गई, मास्ट सेल। तो आईजीई एंटीबॉडी जो है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, आपको मालूम होगा ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो है किसके साथ में आ गया है, इस मास्ट सेल में। अब इस मास्ट सेल ने ड्यू टू द आईजीई, इस आईजीई की वजह से मास्ट सेल क्या कर रहा है, सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीशन, ठीक है। ये सिक्रीशन बाहर आ गया है, ये सिक्रीशन को अपन क्या कहते हैं, दैट इज एंटी, सॉरी, हिस्टामाइन। क्या सिक्रीशन प्रोड्यूस करा, हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन क्या कॉज करेगा, दैट इज एलर्जी। इसने क्या कॉज कर दी, एलर्जी। अब आपको सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या होने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। तो आप देखिए ये साइकिल कैसे चली है, डस्ट पार्टिकल गया बॉडी सेल के अंदर, कौन सी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करा, सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने किसको एक्टिवेट करा, टी सेल्स को। टी सेल्स ने कौन से वाले टी सेल्स को एक्टिवेट करा, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स ने किसको एक्टिवेट करा, बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट ने क्या बनाए, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी वाली बनी, आईजीई। किसके ऊपर अटैच हुई, मास्ट सेल। मास्ट सेल पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लीज रिमेंबर। उसमें जो भी एरिया होगा, जो भी लोकलाइज एरिया होगा, सपोज कोई डस्ट पार्टिकल है, तो रेस्पिरेटरी एरिया जो है इसका, वो क्या है, लोकलाइज एरिया है। तो वहां के मास्ट सेल से क्या सिक्रीशन करवाया, हिस्टामाइन का। और इस हिस्टामाइन से क्या हुई, एलर्जी। अब इस एलर्जी के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम, दैट इज आप एकदम से छीके मारना शुरू करते हो, स्नीजिंग जिसे अपन कहेंगे, ठीक है ना, दैट इज स्नीजिंग, कफिंग, वॉटरिंग आईज, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वॉटरिंग इन आईज एंड नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये क्या है, सारे के सारे जनरल सिम्टम्स, किसके, एलर्जी के। किसकी वजह से, एक बाहर वाला कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर जाता है उससे। अब एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी एलर्जी जो होती है दो तरह की होती है, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ इधर से ही। अब आप देखिए एलर्जी कितने तरह की है, दो तरह की। कौन कौन सी है, एक है जनरलाइज्ड और दूसरी कौन सी है, लोकल, ठीक है ना। एलर्जी के दो फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, एक होती है जनरलाइज्ड,
और दूसरी कैसी होती है, लोकलाइज्ड। अब जो एलर्जी जनरलाइज्ड है वो पूरी बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट क्या करेगी, शो करेगी, इफेक्ट ओवर होल बॉडी, पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन लोकलाइज्ड दैट इज लिमिटेड अप टू द सम एरिया, पूरी बॉडी में नहीं जाएगा। अगर स्किन की है तो स्किन पर रहेगी, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर रहेगी, पूरी बॉडी पर नहीं जाएगी। तो दैट इज लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड, कोई भी एक एरिया जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो वहां तक ही क्या होगी, ये लिमिटेड होगी, ठीक है ना। तो लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब सपोज करो, बाय द वे यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा है, एक्जिमा क्या है, स्किन की एलर्जी है। तो स्किन एलर्जी कहां लोकलाइज्ड है, कहां लोकलाइज्ड है, ये दैट इज अप टू द स्किन, एक ही ऑर्गन उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई एलर्जी क्या है, जनरलाइज्ड है, तो वो क्या कॉज कर सकती है, वो कॉज कर सकती है एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। प्लीज रिमेंबर दिस इज व्हाट, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है, तो एनाफाइलेक्सिस वो एलर्जिक रिएक्शन है जो बहुत तेजी से, जैसे अपन म्यूटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, सडन चेंज इन द जीन, जीन में चेंज तो बहुत आते हैं लेकिन सडन चेंज इन द जीन इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। सडन चेंज इन द बॉडी ड्यू टू द एलर्जी इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। सडन चेंज इन द बॉडी ड्यू टू किसकी वजह से, एलर्जन की वजह से, which may cause या which cause death, which cause death is called क्या कहेंगे उसको, anaphylactic shock। इसकी वजह से क्या हो गई, death भी हो जाती है person की। किस तरह से ये वर्कआउट करता है इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, एक पर्सन है, ठीक है ना, इस पर्सन को एलर्जी है, किससे एलर्जी है, पैरासिटामोल से, ठीक है, जनरल टैबलेट है जो फीवर का जो है लेवल उसको डाउन कर देती है, ठीक है। अब इसको पैरासिटामोल से क्या है, एलर्जी, ठीक है, इसको फीवर होता है, ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इसको क्या करता है, इंजेक्शन देगा, ठीक है ना, किसके इंजेक्शन देगा, इंट्रावीनस इंजेक्शंस इसको देंगे, और वो भी किसके देंगे, दैट इज ऑफ पैरासिटामोल, क्योंकि पर्सन को क्या हुआ है, बुखार हुआ है, उसको पैरासिटामोल के इंजेक्शन देंगे। अब उसकी बॉडी के अंदर एकदम से क्या होगा, सडन चेंज होगा, और सडन चेंज के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर आईजीई एंटीबॉडी का क्या हो गया, सिक्रीशन, बॉडी में क्या हो गया, आईजीई का लेवल क्या हो गया, हाई। जब ये लेवल हाई हो गया तो पूरी बॉडी के अंदर हुआ है, पूरे ब्लड के अंदर हुआ है, ये आईजीई जाके किससे अटैच हो गए, मास्क सेल से, आईजीई अटैच टू मास्ट सेल। अब आप देखो, हमेशा तो जनरलाइज रिएक्शन होता है, लोकलाइज रिएक्शन होता है, सॉरी लोकलाइज रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर बॉडी का एक पार्टी जो है एक्टिवेट होगा, और उसी के मास्ट सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट। क्योंकि इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया तो ब्लड के अंदर पूरे मास्ट सेल्स जो है वो क्या हो गए, एक्टिवेट। उन्होंने क्या रिलीज करा, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन ने क्या काम करा, हिस्टामाइन बॉडी के अंदर क्या काम करेगी, रिलीज करेगी, किसको रिलीज करेगी बॉडी के अंदर, दैट इज रिलीज व्हाट, हिस्टामाइन की वजह से आप वहां पर क्या देखोगे, वैसो डायलेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो हिस्टामाइन जो रिलीज करा है,
ये हिस्टामाइन रिलीज होते ही बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में क्या होगा, वेसल्स का डाइलेशन, दैट इज नोन एज वैसो डाइलेशन। वैसो डाइलेशन की वजह से क्या होगा, वहां पर वेसल्स डायलेट होगी और उसमें से क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। लिक्विड कौन सा है, दैट इज द ब्लड। ब्लड का लिक्विड जो है बाहर निकलेगा भी, क्यों, क्योंकि परमेबिलिटी को भी क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ब्लड ज्यादा फ्लो कर रहा है और इंक्रीज परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की, कौन सी मेम्ब्रेन, कैपिलरी की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज। अब जो ब्लड है वो ब्लड बाहर आ रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन परमेबल हो गई है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। ड्यू टू डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम पर्सन का बीपी एकदम से क्या हो जाएगा, लो, लोवरिंग ऑफ बीपी। अब बीपी जब लो होगा तो उस पर्सन की डेथ भी जो है बहुत जल्दी हो जाएगी, जिसके बारे में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि इसकी डेथ होने वाली है, क्योंकि जनरल एनर्जिक रिएक्शन नहीं प्रमोट करा है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। तो आप देखिए लो वॉल्यूम की वजह से पर्सन की क्या हो रही है, डेथ। इस तरह के रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस वो रिएक्शन है, ऐसे एलर्जिक रिएक्शन है जिनकी वजह से बॉडी में क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब जैसे ही इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया पैरासिटामोल का, आईजीई का लेवल क्या हो गया, हाई। और जब आईजीई का लेवल हाई हुआ तो वो आईजीई किससे अटैच हो गई, मास्ट सेल से, और मास्ट सेल ने क्या रिलीज करा, हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन जब रिलीज हुए तब उन्होंने क्या करा, वेसल्स को डायलेट करा। बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लो है वो इंक्रीज हो गया, परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बॉडी का वॉल्यूम जो है ब्लड का, उसके अंदर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ। अब इस केस के अंदर हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, ठीक है ना। ड्रग है, तीन ड्रग जो है स्पेशली है। फर्स्ट, इस केस के अंदर हम क्या दे सकते हैं, एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन, या फिर हम क्या दे सकते हैं, स्टीरॉइड, या फिर हम क्या दे सकते हैं, एड्रिनलीन, क्योंकि यही वो हॉर्मोन्स हैं जो एकदम से बॉडी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द थ्री ड्रग्स विच इज यूज इन द एलर्जिक रिएक्शंस आर एंटी हिस्टामाइन, स्टीरॉइड एंड एड्रेनालिन। ओके बेटा, एलर्जी आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।